स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। 6.14 रुपए पे ये स्टॉक क्लोज हुआ 28 तारीख को आज। तो इस स्टॉक में आपको आगे के क्या लेवल दिखाई दे सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है या शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए इस स्टॉक के फंडामेंटल की ओर हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर 590 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप यानी रिस्क भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप इसका भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में मैनिपुलेशन भी होता है। अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 34 पैसा है, बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो प्राइस यहाँ पे 6.14 रुपए जो कि काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है 1018 और 9.78 रुपए का हाई है, 62 पैसे का लो स्टॉक ने लगाया है। तो यहाँ पर ROC ROE पॉजिटिव है, फेस वैल्यू 1 रुपए है। सबसे बेस्ट बात यहाँ लगी कंपनी की, 0 यहाँ पे डेप्थ है कंपनी पर और 33 करोड़ का यहाँ पे एसेट है। रिजर्व माइनस में है कंपनी के, 74.5% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है और प्लस्ड परसेंटेज 0 है। हालांकि सेल्स ग्रोथ 46% के रेट से यहाँ पर गिरी है इस कंपनी की। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है। अब यहाँ पे इस कंपनी के अगर हम प्रॉस देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, अभी मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाऊंगा। लेकिन एक ख़राब बात यहाँ पे यह है कि 18.16 times ही अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। तो आइए इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स देखेंगे तो पहले सेल्स 53 लाख की थी और यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो फिर हमें 33 लाख की यहाँ पे सेल्स दिख रही है। तो सेल्स की कंपनी की बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है ना बहुत ज़्यादा घटी है। और यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गए हैं, पहले 3 लाख का एक्सपेंस खर्च किया था लेकिन अभी 12 लाख का एक्सपेंस खर्च किया है। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो पहले 49 लाख का प्रॉफिट था, 50 लाख का प्रॉफिट था, एक टाइम पे माइनस में भी थी कंपनी, लेकिन अभी 11 लाख और 15 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप इसको बहुत ज़्यादा बेटर नहीं मान सकते क्योंकि लॉस में तो नहीं है लेकिन माइनस में भी आंकड़े पेश किया है। और अगर पिछले आप 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी ने मतलब सुधार करना चाहिए था, जितना उस लेवल का सुधार कंपनी ने नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 सालों के सेल्स ग्रोथ की तो यहाँ 0% है और प्रॉफिट की बात करें तो 23% की प्रॉफिट कंपनी को मिली है पिछले 5 सालों में। CAGR की बात करें तो 32% का CAGR 5 सालों में कंपनी ने दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे बिल्कुल 26% की हिस्सेदारी थी कंपनी के पास मार्च 2021 में और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 52% कर ली, डबल कर ली हिस्सेदारी। और अगर आप कंपेयर करेंगे सितंबर और दिसंबर में तो यहाँ पर भी इन्होंने 22% की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो प्रमोटर तो अपने अपने जो बिजनेस है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा उनको भरोसा है, इसीलिए वो बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास यहाँ पर 73% पहले हिस्सेदारी थी कंपनी की लेकिन अभी 25% यहाँ पे हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे ये हिस्सेदारी जो प्रमोटर्स की बढ़ी है ये क्यों बढ़ी है वो भी मैं आपको दिखा। अब बात करते हैं कि मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ी है उसका मुख्य रीज़न क्या है। तो मुख्य रीज़न आपके सामने वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि 73 रुपए पे इस कंपनी का स्टॉक चल रहा है। इस कंपनी ने मंगलम फाइनेंस को यहाँ पे ओन कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे आपको हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिख रही है 74%। और यहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी घट गई है, तो इसमें ये कंपनी ने डायरेक्टली अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई है बल्कि किसी दूसरी कंपनी ने इस कंपनी के पूरे शेयर्स खरीद लिए हैं। तो यहाँ पर आइए इस स्टॉक के पहले हम चलते हैं चार्ट की ओर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो ये स्टॉक क्या अभी बाइंग इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेवल क्या है। तो यहाँ पे RSI का तो इंडिकेशन है कि अभी बिल्कुल रुकना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इनडिसीजन सिचुएशन है, इनडिसीजन जोन में स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग किसी का भी इंडिकेशन RSI इंडेक्स के हिसाब से नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक का सपोर्ट देखें जो कि यहाँ पे मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट है जो कि काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 5.13 रुपए का एक सपोर्ट है। तो यहाँ तक स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरा फोकस रखना होगा कि ये स्टॉक आपको 5.13 रुपए के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है स्टॉक तो 5.13 रुपए
टच करके वापस से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ अगर इसने स्विंग बनाया तो आपको ये स्टॉक बाय करना होगा। अभी के लेवल पे ये स्टॉक बाय अभी करने लायक नहीं है, अभी इस लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए स्टॉक को, जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस की। और उसके बाद ये स्टॉक को आप 10 रुपए के ऑलमोस्ट 10 रुपए पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 रुपए 13 पैसे पे बाइंग करके 10 रुपए पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक लेवल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक को बाय या सेल करने के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो लेवल पता चल गया, लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड करेगा कि वार्ड विजार्ड कैसे यहाँ पे हैंडल करती है कंपनी को। अगर इन्होंने अच्छे तरह से हैंडल किया तो कंपनी आपको बहुत अच्छा गेन आगे आने वाले सालों में दिखा सकती है। तो आप वार्ड विजार्ड को ज़रूर यहाँ पर एनालिसिस करिएगा इस कंपनी की, तो आपको इस कंपनी में जो होने वाला है आगे आप इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं वार्ड विजार्ड के बेसिस पे। तो आई होप मैंने आपको आपके सामने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कोई भी आप अगर आपका मन में कोई सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।